देखिए आपको मैं बताता हूँ कि किस तरह से आपको लाइव क्लास ज्वाइन करनी है और जो आपको प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ पर आपको कंटेंट सर्च करना है वो सब कुछ यहाँ पर बताएंगे। तो चलिए ये देखिए आपको स्क्रीन दिख रही है इधर मोबाइल की, इस पर आपको ध्यान देना है। तो इस तरह से अपनी ऐप को ओपन करना है क्लब आई एस असिस्टेंट, और इसमें बहुत सारी चीजें बताएंगे। इस वीडियो को पूरा देखिएगा आप ध्यान पूर्वक। देखिए आप जब भी ऐप को ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस कुछ दिखता होगा। ओके तो देखिए नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारा कंटेंट है, यहाँ से भी एक्सेस कर सकते हैं जैसे क्लासेस हो गई, लेकिन यहाँ से नहीं करना है। तो जिन लोगों ने कोर्स को परचेज कर लिया है तो उन्हें अपने कोर्स में ही जाना है। तो देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है होम, होम के यहाँ पर बगल में दिख रहा है बैचेस का ऑप्शन दिख रहा है, और आपको स्टोर दिख रहा है और चैट दिख रहा है और प्रोफाइल दिख रहा है। देखिए प्रोफाइल में भी एक चीज अपडेट करनी है, वो आपको बता देंगे, जिससे इन फ्यूचर कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, जैसे आपका नंबर खो जाता है बाई चांस, आप लोग नंबर चेंज करना चाहते हैं तो भी आपने एक बार पैसे पे कर दिए हैं तो दोबारा से एक्सेस मिल जाएगा अगर आपकी ईमेल आईडी होगी। ओके तो सबसे पहले चलते हैं, देखिए स्टोर पर क्लिक करना है। तो स्टोर पर इस तरह से आप क्लिक करेंगे, तो स्टोर पर क्लिक करने के बाद इस तरह का इंटरफेस खुल जाएगा। तो जिन लोगों ने सेकंड फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले लिया, तो जो भी बैच में आपने एडमिशन लिया होगा तो वो आपको ऊपर दिखाएगा यहाँ पर। ओके यहाँ पर शो करेगा, और जो भी परचेस नहीं किए हैं वो देखिए इस तरह से दिखाएगा नीचे। ओके तो देखिए अभी मैंने अचीवर बैच है, एग्जाम रत बैच है, इकोनॉमिक्स और क्वालिटी है, ये मैंने परचेस नहीं किए हैं इसलिए नीचे दिखा रहे हैं। आप लोग अचीवर बैच में एडमिशन ले सकते हैं, नया बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप लोग यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं, इसमें जो इंस्टॉलमेंट है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि इसमें इंस्टॉलमेंट है, तो आप लोग सिर्फ 99 रुपये प्रति मंथ में भी एडमिशन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इंस्टॉलमेंट का ऑप्शन। तो देखिए इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करेंगे, तो जैसे ही आप इंस्टॉलमेंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए अभी यहाँ पर नहीं दिखा रहा है क्योंकि ये जो ऐप रेस्ट्रिक्शंस होते हैं कुछ, तो इस वजह से ब्लैक ब्लैक स्क्रीन दिखा रहा था। ओके तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कूपन कोड, कूपन कोड अगर आप वन टाइम पेमेंट करते हैं तो आपको 1300 रुपये से ज्यादा का को कूपन कोड मिल जाएगा, और इसकी फीस है सिर्फ 999 रुपये हो जाएगी वन टाइम की। ओके तो यहाँ पर आप लोग बहुत ही सिंपली वे में इसको परचेज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बैक आते हैं। तो देखिए जिन लोगों ने सेकंड फाउंडेशन बैच में एडमिशन ले लिया है तो उन्हें क्या करना है, यहाँ पर आना है। तो आपको यही प्रॉब्लम आ रही थी, तो देखिए सबसे पहले क्या करना था, आपको स्टोर पर क्लिक करना था। स्टोर के बाद सेकंड फाउंडेशन बैच है इस पर क्लिक करना है। तो देखिए जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो इस तरह से ओपन हो जाता है। अब देखिए ऊपर आपको अगर आपने इसको परचेज कर लिया है तो देखिए यहाँ पर एक ओवरव्यू का ऑप्शन दिखा रहा होगा, एक कंटेंट का दिखा रहा होगा, एक लाइव क्लास का दिखा रहा होगा। तो देखिए आप जैसे ही कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ फ्री स्टडी मटेरियल, कुछ बुक्स हैं और एनसीईआरटीज हैं, और यहाँ पर टास्क हैं, वो चीज आपको दिख जाएगी। लेकिन आप लोग लाइव क्लास अटेंड करना चाहते हो तो देखिए ये लाइव क्लास है, जो रिकॉर्डेड क्लास यहाँ पर पड़ी रहती है, तो ये देखिए सारी रिकॉर्डेड क्लास है। इसको आप जैसे ही क्लिक करेंगे, जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो देखिए अभी आपका ही कॉल आ रहा है क्योंकि आपको प्रॉब्लम आ रही थी, आपके लिए ही ये वीडियो बना रहे हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिखेगा तो सारी वीडियोस यहाँ पर पड़ी हुई हैं, आप किसी को भी देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपको कोई भी यहाँ पर समस्या नहीं आने वाली है। ओके तो इसी तरह से अनाउंसमेंट अगर हम कोई भी करते हैं तो वो आपको इधर अनाउंसमेंट दिख देंगे, और यहाँ पर देखिए बहुत सारे अनाउंसमेंट भी पड़े हुए हैं। और लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करना है, ये तो रिकॉर्डेड क्लास हो गया, लाइव क्लास कैसे ज्वाइन करना है, लाइव क्लास ज्वाइन करने के लिए आपको शाम को 7 बजे ऐप में इसी फोल्डर के अंदर आना है। तो आपको देखिए होम स्क्रीन पर ही यहाँ पर मिल जाएगा ज्वाइन नाउ का। ओके देखिए इस तरह से, जो इस तरह से स्क्रीन खुलेगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा ज्वाइन नाउ। ओके तो देखिए ज्वाइन नाउ में आपने, आप बोल रहे थे कि सर जब हमारे फर्स्ट टाइम हमारे पास नोटिफिकेशन आया था तो हमने उसको डिनाई कर दिया था अलाउ की जगह पर, देखिए आपने डिनाई कर दिया तो वो समस्या का कैसे समाधान कर सकते हैं, तो देखिए वो भी बहुत सिंपल है। आपको क्या आना है, सिंपली आपको सेटिंग में जाना है, एक बार आपको सिंपली सेटिंग में जाना है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, आपको भी अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है, जो आपने परमिशन डिनाई कर दी थी वो उसे कैसे अलाउ करना है, तो इसी में जाएंगे आप। जाने के बाद देखिए कहीं पर आपको मोर के ऑप्शन में या कहीं पर आपको एप्स का ऑप्शन दिखेगा, जहां पर आपने जितनी भी एप्स हैं वो इंस्टॉल करके रखी होंगी। तो देखिए सेटिंग में आपको ये चीज खोजनी पड़ेगी, फिर देखिए जो भी ये बहुत सारी ऐप हैं जो आपने इंस्टॉल की वो सब दिख जाएंगी। इसमें अपनी ऐप खोजनी है, क्लब आई एस एस्प्रेंट, तो क्लब आई एस एस्प्रेंट है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और क्लिक करने के बाद देखिए आपको हर सभी मोबाइलों के इंटरफेस अलग होते हैं, मेरे मोबाइल का इंटरफेस अलग है क्योंकि ये बहुत पुराना फोन है। तो आपको देखिए इस तरह से परमिशन का ये कहीं पर भी ऑप्शन दिखेगा, वो आप खोज लीजिएगा। तो परमिशन में आपको सब अलाउ कर देना है, सभी परमिशन अलाउ कर देना है। जैसे ही आप सब कुछ अलाउ कर देंगे आपकी लाइव क्लासेस है वो चलने लगेगी। ओके और एक समस्या क्या आती है कि लाइव क्लासेस नहीं चल पाती है, मतलब आप ज्वाइन करते होंगे तो ज्वाइन नहीं कर पाते होंगे, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ।
एक सेकेंड, एक मैं क्लास, किसी भी क्लास को ओपन करके दिखाता हूँ। जैसे इसी में चले जाते हैं अपने बैच में, मैं एक लाइव क्लास पर क्लिक करता हूँ, और क्लिक करने के बाद देखिए मैं इसको ऑन किया तो इस तरह से नोटिफिकेशन दिखाता है कि आपको जो स्क्रीन मिररिंग ऐप है उसको अनइंस्टॉल करना है, या फिर स्क्रीन रिकॉर्डर आपके मोबाइल में कोई इंस्टॉल होगा उसको अनइंस्टॉल करना होता है, क्योंकि यहाँ पर प्रोटेक्शन लगा होता है, कंटेंट प्रोटेक्शन, की हमारा जो कंटेंट है आप उसको रिकॉर्ड ना कर लें, इस वजह से ये ऐप में इस तरह से चीज होती है। तो आपको क्या करना होगा, सिंपली जो ऐप का नाम यहाँ पर शो कर रहा होगा उसे अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर आप लोग उसको यूज नहीं करते हैं तो सिंपली आप इसको एक्सेस करने लगेंगे। ओके, और एक चीज जो इंपॉर्टेंट चीज आपको बता रहे हैं, इन फ्यूचर के लिए आपको काम आएगी, तो आपको देखिए यहाँ पर प्रोफाइल का ऑप्शन दिख रहा है साइड में, चैट के बगल में आपको दिख रहा होगा प्रोफाइल का, तो इस तरह से प्रोफाइल पे क्लिक करना है। प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पर आपके इस तरह से डिटेल दिख रहा होगा, इसमें ईमेल आईडी अपनी जरूर डाल देना है। ऐसे क्लिक करके देखिए यहाँ पर एडिट का ऑप्शन दिख रहा है, तो एडिट पे आप क्लिक करेंगे इस तरह से। देखिए मैं क्लिक करता हूँ एडिट पर, और एडिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी जरूर डाल देना। इससे क्या होगा, इन फ्यूचर जब भी कभी आपको मोबाइल है, जैसे नंबर है चेंज हो जाता है, या फिर मोबाइल आपका खो जाता है, तो आप दोबारा से कैसे है? दोबारा से परचेस करना पड़ेगा आपके लिए कोर्स, तो ऐसा नहीं है। आप अपनी ईमेल आईडी जैसे ही हमें देंगे, हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर देंगे जिसमें आपने परचेस किया होगा। ओके, तो इतनी जो छोटी सी सेटिंग है, छोटी सेटिंग को कर लेना है और आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। सारी क्लासेस आपको यहाँ पर ही मिल जाएंगी स्टोर पे जाने के बाद। स्टोर पे जाने के बाद आपको सेकंड फाउंडेशन बैच में जाना है, और यहाँ पर ही सारी इस तरह से आपको डिटेल दिख जाएगी। ओके, अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो कमेंट कर दीजिए, आपकी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा।